हाय गाइस, इस कुमार भट्टाचार्य और इस वीडियो में हम बात करेंगे वीनस की प्लेसमेंट। सभी 12 घरों में, 12 हाउसेस में वीनस की प्लेसमेंट, हर हाउस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को अंत तक सुनिए, सारे वीनस के प्लेसमेंट्स के बारे में जानिए। तो आइए शुरू करते हैं। वीनस अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो ये इंसान को कैरिज्मेटिक, अट्रैक्टिव इंडिविजुअल बनाता है, जो कि बहुत ही चार्मिंग होता है और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होता है। और इनको हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बहुत पसंद होते हैं, तो बहुत हार्मनी मेंटेन करना पसंद करते हैं रिलेशनशिप्स में। इनका एस्थेटिक सेंस काफ़ी हाई होता है, तो आर्टिस्टिक टेस्ट भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। और ये खुद का ख्याल रखने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और अपना ख्याल बहुत अपने को काफ़ी टिप टॉप रखने में विश्वास करते हैं और खुद को अच्छे ड्रेसेस से, और लड़कियां हों तो बन ठन के रहना इनको काफ़ी पसंद रहता है। सेकंड हाउस में अगर वीनस आता है तो यहाँ पे वेल्थ और लेजर एक साथ मिल जाते हैं। सेकंड हाउस जो है वो आपके वेल्थ का हाउस है, आपके फैमिली का हाउस है, और यहाँ पे आपके जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो आपको आर्टिस्टिक चीज़ों में मिल सकती है। कोई भी आर्टिस्टिक काम, आप आर्ट रिलेटेड काम आप करेंगे तो वहाँ पे आपको मॉनेटरी फ़ायदा, आर्थिक लाभ हो सकता है, ठीक है। और ये इनका जो इमोशनल फुलफिलमेंट होता है, जो भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं अपने मटेरियल पोजेशंस के साथ, और इनके लिए अच्छी चीज़ों को प्राप्त करना इनको काफ़ी मेंटल सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करता है। और इनको काफ़ी अच्छा खाना भी पसंद होता है, और सुंदर तरीके से सजा के दो इनको खाना तो ये काफ़ी अच्छी तरह खाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वीनस थर्ड हाउस का। वीनस अगर थर्ड हाउस में होता है तो कम्युनिकेशन जो होता है यहाँ पर, वो काफ़ी इनका ग्रेसफुल बन जाता है जिनका भी थर्ड हाउस में वीनस होता है। और ये काफ़ी इनके एक्सप्रेशंस भी, जो कम्युनिकेशन होगा इनका काफ़ी क्रिएटिव होगा, काफ़ी क्रिएटिव तरीके से कम्युनिकेट, और काफ़ी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग भी हो सकती है इनकी वीनस अगर अच्छा है यहाँ पर। और इनके लिए ये सिबलिंग से भी काफ़ी प्यार कर सकते हैं, अपने यंगर सिबलिंग, इमीडिएट जो यंगर सिबलिंग होगी उससे काफ़ी प्यार करेंगे ये। और इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना एक प्यार भरा बंधन मेंटेन करना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनमें आर्टिस्टिक टैलेंट्स हो तो ये ज़्यादातर राइटिंग और अपने स्पीकिंग के थ्रू ये काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, और काफ़ी ब्यूटी होगी इनके राइटिंग में और बातचीत करने के तरीके में। वीनस अगर फोर्थ हाउस में आता है तो फिर क्या होता है, वीनस फोर्थ हाउस में आता है तो इनको सजा हुआ घर पसंद होता है। इनका घर काफ़ी देखा गया है सजा होगा, और फैमिली लाइफ भी में इनके लव और ब्यूटी की कोई कमी नहीं होगी। और ये अपने अपने रूट्स के साथ ये बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं, इमोशनल कनेक्ट इनका बहुत ज़्यादा होता है अपने रूट्स के साथ, अपने जड़ों के साथ जुड़ा रहना पसंद करते हैं। और इनका जो इनकी एबिलिटी होती है, ये चाहते हैं कि जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो, जो घर का एनवायरनमेंट हो, वो काफ़ी ब्यूटीफुल हो, हारमोनियस हो, शांत वातावरण हो, क्लासी टाइप का एक एटमोसफेयर क्रिएट करना चाहते हैं फोर्थ हाउस में, जिसका भी वीनस होता है। अब बात करते हैं वीनस अगर फिफ्थ हाउस में होता है तो, वीनस फिफ्थ हाउस में होता है तो ये काफ़ी रोमांटिक होंगे, रोमांस में इनको काफ़ी रुचि होगी, और इनके लिए क्रिएटिव चीज़ें करना इन बहुत पसंद होगा। किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी में इनको इनको प्यार होगा, वीनस लव का कारक है, ठीक है। और इनका जो अप्रोच होगा लाइफ में, ये बहुत पैशनेट तरीके से ये अप्रोच करेंगे चीज़ों को लाइफ में, और अगेन आर्टिस्टिक चीज़ों में इनको आर्टिस्टिक तरीके से अप्रोच करना लाइफ को, हर क्षेत्र में एक आर्टिस्टिक टच लाना इनको पसंद होगा। और प्यार के मामले में खूब प्यार से भरपूर होंगे, प्यार की तलाश में रहेंगे हमेशा। और इनका जो इनकी जो रुचि होगी, इनका एक टैलेंट होगा, नेचुरल टैलेंट होगा, आर्टिस्टिक टैलेंट से भरपूर होंगे ये, किसी भी चीज़ को ब्यूटीफाई करने में
करने की एबिलिटी इनमें काफ़ी कूट कूट के भरी होती है, हमेशा लव अफेयर्स के पीछे भागते रहेंगे, तो लव के प्रति इनका काफ़ी आकर्षण रहेगा और प्रेम की तरफ ये हमेशा भागते रहेंगे। ठीक है, अब वीनस आ जाता है अगर सिक्स हाउस में, अगर सिक्स हाउस में वीनस आता है तो हम देखते हैं कि सर्विस में ये किसी भी जॉब फील्ड में जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे टच ऑफ एलिगेंस रखेंगे अपने साथ, बहुत एलिगेंटली बिहेव करेंगे वहाँ पर लोगों के साथ और एक एलिगेंट एटमोसफेयर में काम करना पसंद करेंगे, जहाँ पे ब्यूटीफुल लोग हो, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स हो, वहाँ पे ये काम करना बहुत पसंद करेंगे। और इनके जो रिलेशनशिप्स होंगे ये हारमोनी मेंटेन करना चाहेंगे अपने कोलीग्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, इनका रिलेशनशिप्स ये अपने कोवर्कर्स से काफ़ी प्यार करेंगे और उनके साथ एक यू नो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कायम करना पसंद करेंगे। और अगेन यहाँ पे भी क्रिएटिव चीज़ों में इनको अच्छा वो अचीवमेंट्स लेना पसंद करेंगे, उसी क्रिएटिव फील्ड्स में काम करना पसंद करेंगे, जॉब्स उसी प्रकार के जॉब्स में अपना काम ये रखना चाहेंगे और अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी सजग रहेंगे और अपने हेल्थ से काफ़ी अपने एक रूटीन मेंटेन करने में इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब वीनस अगर सेवन्थ हाउस में आ जाता है, वीनस सेवन्थ हाउस में आ जाता है, ये आपके मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप्स का हाउस है, तो यहाँ पे भी वही एम्फेसिस वहीं पे होता है, अपने स्पाउस के प्रति, अपने पार्टनर्स के प्रति ये काफ़ी प्रेम रख सकते हैं, इनको ब्यूटीफुल पार्टनर मिल सकता है, काफ़ी सुंदर पार्टनर, अट्रैक्टिव पार्टनर्स, अट्रैक्टिव लोगों से ये घिरे रह सकते हैं हमेशा, क्योंकि वीनस सेवन्थ हाउस में है। और क्लासी पार्टनर्स जो है वो बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत अपने आप को टिप टॉप रखना पसंद करते हैं, उनकी तरफ इनको काफ़ी आकर्षण होगा और उनकी तरफ ये काफ़ी झुक जाएंगे और प्रेम करेंगे और मैरिज भी इसी टाइप के लोगों से करना पसंद करेंगे। इनके लिए रिलेशनशिप्स विद द ऑपोजिट सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इनके पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए और ये एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहेंगे सुंदर लोगों के साथ, सुंदर लोगों से ऑटोमेटिकली ये सुंदर लोगों को अट्रैक्ट भी करेंगे क्योंकि सेवन्थ हाउस में वीनस है। अब वीनस एट्थ हाउस में होता है तो इनके जो ये इंटेंस इमोशनल कनेक्शंस में अपना और सेंसुअल एक्सपीरियंसेस करने में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे और इनके जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी वो डीप इंटीमेट कनेक्शंस के साथ, एक गहरे जो इंटीमेट इमोशनल कनेक्शंस होते हैं उनके प्रति इनको उनके थ्रू ये काफ़ी अपने आप को फुलफिल करेंगे और लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे और इनको पार्टनरशिप से स्पाउस की तरह से या बिजनेस पार्टनरशिप के थ्रू काफ़ी लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस के थ्रू काफ़ी लाभ हो सकता है, इन लॉस के थ्रू काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, लग्जूरियस चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, और इनके इन लॉस का घर जो होगा ये काफ़ी लग्जूरियस सराउंडिंग्स, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वीनस नाइन्थ हाउस में आता है, वीनस नाइन्थ हाउस में आता है तो इनको फिलोसॉफी और हायर लर्निंग की तरफ काफ़ी इंक्लिनेशन होगी, हायर एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटाइज़ करेंगे, फॉरेन कनेक्शंस इनको ज़्यादा, फॉरेन में घूमना ज़्यादा अच्छा लगेगा, अपनी जगह से वर्क प्लेस से बाहर ये कनेक्शंस ढूंढेंगे, फॉरेनर्स के साथ कनेक्शंस बनाएंगे और इनके ये काफ़ी वीनस लिटरेचर का भी कारक है तो लिटरेचर में भी काफ़ी इंटरेस्ट, फॉरेन लिटरेचर में भी काफ़ी इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है इनको, या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में इनको काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। इनकी जो हारमोनी है ये थ्रू ट्रैवल और कल्चरल एक्सपीरियंसेस, ये जितनी यात्राएं करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स मिक्सअप करेंगे उतना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। स्पिरिचुअलिटी जो होती है इनके साथ वो ये ब्यूटी और ग्रेस को मिला के, स्पिरिचुअलिटी के साथ मिला के ये काफ़ी आनंद का अनुभव कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर टेंपलों में और तीर्थ स्थानों में जाकर ये काफ़ी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अब वीनस बात करते हैं, टेंथ हाउस में आता है तो ये काफ़ी ग्लैमरस हो सकते हैं, चार्म हो सकता है इनको प्रोफेशनल फील्ड में, ये ग्लैमर फील्ड से काफ़ी अच्छा नाम कर सकते हैं, अपने चार्म के यूज़ से, अपने सुंदरता के यूज़ से ये काफ़ी अचीव कर सकते हैं लाइफ में और ये अपने चार्म का यूज़ करेगी किसी भी फील्ड में होगा
वहाँ पे ये काफ़ी उन्नति करेंगे। और इन ये हमेशा अपोजिट सेक्स, स्पेशली अगर मेल हो तो लड़कियों से काफ़ी घिरे रहेंगे ये, लड़कियाँ काफ़ी इनके प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड होंगी, काफ़ी पॉपुलर होंगे ये लड़कियों में। और अगेन इनकी जो इमेज होगी, पब्लिक इमेज होगी, आर्टिस्टिक परस्यूट्स, ग्लैमर फील्ड्स और सिनेमा, ब्यूटी के से, फिज़िक्स से, मेडिसिन फील्ड से काफ़ी अच्छा नाम कर सकते हैं और इन सब फील्ड्स में इनको काफ़ी उन्नति मिल सकती है। ठीक है, वीनस 11th हाउस में आ जाता है तो फ्रेंडशिप्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और इनके सोशल कनेक्शंस जो होंगे ये बहुत ही वाइटल बन जाते हैं इनके लिए। और ये आर्टिस्टिक लोगों से काफ़ी मेलजोल पसंद करेंगे, ऑपोजिट जेंडर स्पेशली फीमेल से घिरे रहना ये पसंद करेंगे, उनके साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे। इनके जो दोस्त होंगे वो ज़्यादातर फीमेल फ्रेंड्स होने के चांसेस बन जाते हैं और काफ़ी क्लासी आर्टिस्टिक फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं इनके। और इनके जो सोशल कनेक्शंस होंगे इनके पर्सनल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेंगे, इनके किसी भी प्रकार के अचीवमेंट में काफ़ी इनको सोशली मदद मिल सकती है। और अगर यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो जाए तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये उल्टे सीधे कनेक्शंस में भी फॉर्म कर सकते हैं, टू मैनी नो अपोजिट सेक्स के ज़्यादा मेंबरों के साथ एक साथ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप गलत तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान देना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी लाभदायक बन जाती है और अगेन आर्टिस्टिक फील्ड्स में ग्रुप एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी प्लेजरेबल साबित हो जाती है इनके लिए। वीनस अगर 12th हाउस में हो जाता है तो अगेन स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक परस्यूट जो ये आइसोलेशन में जाके करें तो बहुत ही अच्छा इनको लाभ होता है। किसी भी प्रकार के आर्टिस्टिक थिंकिंग ये अगर आइसोलेशन में जाके करें तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कर सकते हैं। रिलेशनशिप जो इनके सीक्रेटिव और कार्मिक हैं और वीनस अगर 12th हाउस में आ जाता है तो ये सॉलिट्यूड को अगर एम्ब्रेस करें तो अपने अंदर झाके और तो ये काफ़ी क्रिएटिव वर्क में काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर अच्छी हो सकती है। ये विदेश भ्रमण में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, विदेशों में ये काफ़ी अच्छा धन कमा सकते हैं और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। वीनस पाइसेस में एग्जॉल्टेड होता है, 12th हाउस मतलब 12th साइन पाइसेस है और यहाँ पे वीनस काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, अपने वाइफ के थ्रू भी ये काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हैं, बेड प्लेजर्स और ऐसी चीज़ों में इनको काफ़ी आनंद मिल सकता है, फाइनेंशियली भी ये काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, वेल ऑफ हो सकते हैं। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा। और मस्त रहिए, मज़े में रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाला और मुझे सुना।